हमारे जो आजा पुरखे थे वो गोंडी बोलते थे, बोले ले। पता नहीं गाइस क्या हो गया, लोगों को मेरे कपड़े देखकर हंस रहे हैं। गाइस इन्होंने मुझे 20 रुपए नहीं दिए, गोंडी भी आई बात देख दिया कितना चीट मार रही है। देखिए गाइस मैं कैसे खींच रही हूं, देखिए सारे जाने वाले मुझे को देखना है, यहां पर बोरी लेके बैठी करके सब मेरे कपड़ों पे हंसने वाले गाइस, सब मेरे कपड़ों पे। हाय दोस्तों, जय जोहार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। कैसे आप सभी, आशा करती हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूं, एकदम मस्त। और ये मेरा बेटा सोना अगर चला गया, और आज मैंने सुबह से वीडियो नहीं शूट की गाइस, तो अभी मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूं। आज मेरे गांव की मार्केट, तो बहुत सारे झन्ना अभी जा रहे हैं मार्केट, और हम इधर रोड पे घूम रहे हैं, मार्केट जाने वालों को देख रहे हैं कि कौन कौन जा रहे हैं करके। ऐसा नहीं है दोस्तों, मम्मी पापा गए हैं अमरवाड़ा, वहाँ से उन्होंने बस में जो है डेफी रख के पहुँचाए हैं, तो उसके लिए हम यहाँ तक आए रोड में। तो अभी तक बस आई नहीं है, तो मैंने सोचा मेरे प्यारे प्यारे क्यूट से दोस्तों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना ही दूँ, है कि नहीं। जय जोहार बोलो चिल्लर, सही से बोल रहे तो आज के बाद से वीडियो नहीं लाने को देख रहे गाइस, बोल। तो गाइस अभी ना बस नहीं आई है, ये चिल्लर को नहीं ला रही थी मैं, ये पता नहीं इसको ना कुछ झूम गया है, इसके अंदर कुछ घुस गया है, यहाँ से चिल्ला चिल्ला की बातें करता है। ठंडे लग रही है ये सोना ना मेरे पीछे जहाँ जाते हैं भय में टपक जाती है, मेरा पीछा छोड़ती नहीं है गाइस, क्या करूँ। और ये फेंक फेंक फेंक, पता नहीं किसने फेंका होगा गाइस यहाँ पर ये बच्चा, ये क्या है गाइस को कुछ बोल अच्छे से। और अच्छा झाड़ लग झाड़ बता रहा गाइस को, कभी खगड़ा खा बोलता है गाइस को, खाना नहीं खिलाता गाइस को, इसलिए खगड़ा खिला रहा था। देखिए गाइस हमारे टीपू को क्या हो गया, बिल्कुल अभी तो ठीक हो गया, पहले तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी ना इसकी, पूरा देखिए बहुत ज़्यादा मतलब स्मेल करने लगा था, बट फिर भी हमने घर पे ही रखा था इसको, है ना सोना। हाँ, मुझे सोचा था मैं चली तो कुत्ते से क्यों बात कर रही है, कुत्ते से बात कर रही है, कहाँ जाने लगा, मैं भी चल रही साथ में, नहीं जा रही मैं तो सोना से साथ में आऊँगी। अभी अभी पापा जी का कॉल आया था, तो उन्होंने बोला बस बस पहुंचने वाली है, तो बस वालों से डेसी गिरवा लेना और 20 रुपये उनसे ही लेना, बोले बस वालों से तो ले लेना, ऐसा बोल रहे थे, तो देखते हैं बोल के देते हैं कि नहीं। मुझे ना गोंडी नहीं आती गाइस, आप लोगों ने बोला था ना कि गोंडी में बात करूँ, मुझे नहीं आती गोंडी। हमारे जो आजा पुरखे थे वो गोंडी बोलते थे बोले, लेकिन हमारे जो पप्पा हैं उन्होंने गोंडी सीखी नहीं, तो हम कहाँ से सीख जाते, आप ही बताओ, है कि नहीं। अगर हमारे पप्पा सीख जाते, हमारे पप्पा मम्मी सीख जाते गोंडी, तो हम सीख जाते। हमारे जो आजा पुरखा जो भी सियाने बड़े थे ना पहले, उनको गोंडी आती थी, और अभी जो सियाने हैं ना वो कभी कभी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, लेकिन अब वो भी अब हमारे जैसे बोलते हैं। पता नहीं गाइस क्या हो गया, लोगों को मेरे कपड़े देख कर हंस रहे हैं, कह रहे होंगे 10-20 साल से एक ही जोड़ा कपड़ा पहन रही, क्या क्या कर रही करके, भैया की पहन के आगे करके। ये वाला टी शर्ट मेरा नहीं है, मेरे भाई का है, और पेंट भी मेरे भाई का है, क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत कपड़े हैं ना गाइस। सीधा रहा, मुझे गुस्सा आ रहा गाइस, और ये हमेशा हमेशा कर रहा, क्या ही बोलूँ। कोई बात नहीं, दिखा देंगे हम भी लोगों को एक दिन कुछ करके, इट्स ओके गाइस, इतना तो सहना पड़ेगा, कुछ करना है ना तो कुछ सहना भी सीख लिया करो, कि मतलब कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को झेल लिया करो गाइस। अपनी बस अब जाके टपक रही है, देखिए 20 रुपये भी रह गए हैं, 20 रुपये भी रह गए, बुरा ले लेते हैं। राजा भैया पैसे रह गए थे क्या, रह गए 15 रुपया, 20 रुपये, 20 बाबा जी बोल रहे थे दो जल्दी, वीडियो क्या बना रही है, जल्दी दो
मुझे बता रहा भैया, गाइस इन्होंने मुझे 20 रुपए नहीं दिए मेरे को। देखिए बोरी भी आई बात फेंक दिया, कितने अच्छे खा रहे हैं। देखिए गाइस मैं कैसे खींच रही हूँ रोड पे, रोड पे कितने हैं गाइस, 20 रुपए नहीं दिए। अब मैं 20 रुपए दे देते तो मैं रख लेती नहीं। इसका इसका किराया 50 रुपए थोड़ा लगेगा, 30 रुपए लगेगा। इस बोरी के किराया 30 रुपए लग गए गाइस। देखिए सारे जाने वाले मुझे को देखना है यहाँ पर बोरी लेके बैठी करके। और पापा जी अभी दीघावाड़ी में बोल रहे थे दुकान में, बस आने वाले हैं थोड़ी देर से ऐसा बोल रहे थे। तब तक देखते हैं कब तक आते हैं। तो गाइस ये आ चुके सामान, पता नहीं क्या क्या है, अभी घर जाकर देखेंगे हम। है लेकिन वजनदार, दे फिर तो पापा जी ने ले गए गाड़ी में रख के। गाइस इतना वजन तक कंधा ही दर्द करने लगा, इतना ही वायर क्वालिटी हमारी, भरोसा आपका। और इसमें क्या है, इसमें पाइप है, पोपटल पाइप। और जी कहीं की दवाई फ्लावर शैम्पू और सिंगाड़ी गाइस और तंबाकू बस। तो गाइस अभी जस्ट खाना हो गया, मैंने इधर आप लोगों को दिखाई भी नहीं क्योंकि ठंड लग रही थी, तो मैंने उधर चूल्हा तरफ भी बैठ के गरम गरम खाना खा लिए। सब ने खा लिया, सब सो चुके हैं, नींद नहीं आई लेकिन सब सो चुके हैं, तो अपन भी सोते हैं गाइस। और आई होप दोस्तों आपको ये छोटे छोटे अलग सा क्यूट सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और गाइस मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, और वीडियो को पूरा देखा करिए प्लीज़। तो दोस्तों ठीक है, बाय बाय टाटा, जय जवाहर, गुड नाइट दोस्तों। जय बड़ा देव।